नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाने वाले बुल्ली बाई ऐप को लेकर अब मुंबई पुलिस एक्शन में है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तीसरी गिरफ्तारी की है। बुधवार को पुलिस ने उत्तराखंड के रहने वाले मयंक रावल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रावल एक छात्र है जिसकी उम्र 21 साल है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड श्वेता को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया था। साथ ही श्वेता के एक साथी विशाल कुमार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया, जिसे कोर्ट ने 10 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं विशाल कुमार के वकील का कहना है कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन करना है आगे कि इन्होंने कैसे इस क्राइम किया हुआ है, और इसके लिए हमने बोला है कि हमने फॉल्सली इम्प्लिकेटेड है पूरे, हमने ये क्राइम में हमारा कोई भी रोल नहीं है। इसके लिए कोर्ट ने हमारी सुनी और जो शॉर्ट पीसी है वो ग्रांट की है। साइबर ने बोला है कि उनको इन्वेस्टिगेशन अभी करना है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्राइम स्टेज पर है। प्राइम स्टेज पर होने की वजह से उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ये जो केस है वो सच है या झूठा है। इसके लिए उनको आगे के लिए पुलिस कस्टडी दी गई। उन्होंने यही बोला है कि उनको इन्वेस्टिगेशन करना है, और बाकी जो अगर कोई भी है इसमें, अगर ग्रुप या इसके पीछे और भी कोई है लोग, तो उनको पकड़ना है, या फिर वो इनिशियल स्टेज पे अपना जो इनका सहभाग है वो निकल के आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया है पुलिस में, और हमने उनको डिनाई किया है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है बुल्ली बाई ऐप और क्यों हो रहा है इस पर विवाद। हाल ही में बुल्ली बाई नाम से एक ऐप सामने आया था। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। यहां उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और गंदी बातें लिखी जा रही हैं। इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली तक लगाई जा रही है। बुल्ली बाई ऐप ठीक उसी तरह बनाया गया है जैसे कुछ दिन पहले सुल्ली डील्स बनाया गया था। सुल्ली डील्स को गिट हब पर लॉन्च किया गया था, अब बुल्ली बाई को भी गिट हब पर लॉन्च किया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। मुंबई पुलिस के अधिकारी सुल्ली डील्स की घटना में भी विशाल की भूमिका की जांच कर रहे हैं। वो बुल्ली बाई ऐप से पहले 2021 में सामने आया था। इंजीनियरिंग के एक औसत छात्र विशाल की भूमिका एक विशेष समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों को एडिट करना और फिर उन्हें ऐप पर अपलोड करना था। विशाल की पहचान पर ही श्वेता को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।